इतना भी घमंड मत कर रुक्मिणी। तूफान ये को बुझा सकता है, सूरज को नहीं। और वैसे भी तेरे घमंड और बुराई के तूफान की उम्र ज्यादा नहीं बची। दीदी मजाक करते करते आप थक नहीं जाती? ये देखो हमारी जायदाद के कागजात जो तुम्हारे बेटे ने खुशी खुशी हमारे नाम कर दिए हैं। माँ बुलाता है ना हमको। और हाँ, माँ से याद आया दीदी, वो राज भी हमें पता चल गया जो तुम मुझसे छुपा रही थी। अरे वही राज हमारी छोड़ी हुई बेटी का। हाँ, वो बेटी भी हमारे कब्जे में है। इतना भी मत चौंको दीदी, आंखें बाहर आ जाएंगी तुम्हारी। दीदी एक राज की बात बताओ, आज रात नवमी की पूजा के बाद हम तूफान नहीं लाएंगे, कोहराम मचाएंगे हम, कोहराम। सबसे पहले हम तुम्हारे बेटे गंगा को मारेंगे और उसके बाद हम अपनी बेटी को खत्म कर देंगे। हाँ हाँ, वही बेटी जो तब भी हमारे लिए बेकार बोझ थी और आज भी वही है। और आज जब हम अपनी जिंदगी के पुराने पन्नों को फाड़ने वाले हैं तो हमने सोचा आखिरी बार हम तुम्हारे पास आकर धन्यवाद कहेंगे हमारी हमशक्ल होने का। धन्यवाद कैलाशी ठाकुराय। जीत हासिल होने से पहले जो जश्न मनाता है वो अंत में बहुत रोता है। और बिचारी तो तू है रुक्मिणी, क्योंकि तुझे तो पता भी नहीं कि गंगा को तेरे बारे में सब कुछ पता चल गया है।